Hi, आज है रोहित शेट्टी सर का एक इंटरव्यू था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो पुराने पुराने डायरेक्टर या राइटर थे उनकी बात में एक वजन था और वो वो जो वजन था वो ये है कि जैसे आप सलीम सर को बोलते हुए सुने जो सलमान खान के पापा है या आप जावेद अख्तर साहब को सुने या वहीदर रहमान मैम को सुने उनकी बात में कुछ है कि आपते ही जाते आप रुक नहीं सकते ये उनके डायलॉग और उन्होंने बोला था कि आज के ऐसे डायरेक्टर्स में आप ये खूबी ढूंढ के दिखा दे बहुत मुश्किल है ढूंढना क्योंकि वो लोग जिस लेवल पे रिफाइन हुए हैं उस लेवल को पहुंचना मुश्किल है और ये क्वेश्चन अक्सर मेरे दिमाग में भी आता है कि

इक दी ओनली थिंग दैट यू हैव टू फोकस उसके बाद तो उन्होंने बोला था वहाँ आप यहां पर मैंने चार्ट बनाया है अब मैं समझा के देखता हूँ ठीक है सबसे पहले आप किस चीज पे फोकस करोगे जैसे इंसान बोलता है ना मुझे रिफाइन होना है तो रिफाइन किस चीज में हो किस एक चीज को हम पकड़े जिसकी वजह से हमारा पूरा जो वर्क फ्लो है वो सही हो अब ये मेरा बेस्ट एक्सप्लेनेशन है गलत भी हो सकता है पर प्लीज देख सबसे पहली चीज वर्च्यू वर्च्यू मतलब क्वालिटी क्वालिटी या एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट जो आपके अंदर गुण है सदगुण बोलते हैं ना जो आपके अंदर सदगुण है या गुण है उसको आपको इम्प्रूव करना है अब आर्टिस्ट के लिए कौन से गुण होते हैं एम्पति किसी से रिलेट करना किसी को समझना बहुत गहराई में अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखना कि कैसा महसूस होता है क्रिएटिविटी कोई नई चीज बनाना प्रिजर्वर रुके रहना कि मैं ये करके ही रहूंगी ऑथेंटिसिटी अपना कुछ नया बनाना या अपना जो रहने का तरीका है आर्ट बनाने का तरीका है उसी में रहना और उसको एकदम ओरिजिनल रखना दो ये बहुत ज्यादा इमिटेशन से आता है लेकिन ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस उसके बाद में डिसिप्लिन काम करते रहना भले कुछ भी हो जाए क्रिएटिविटी में कई बार आपको एक डर सा लगेगा चीजें बनाने में वहां पे आता है करेज और क्यूरियोसिटी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए कोई भी एक सॉफ्टवेयर पे या एक आर्टवर्क पे रुक नहीं जाना है और देखना है क्योंकि हम बहुत कुछ सीख सकते और अब एक विजन अब मैंने जो ये सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा एक एक सेंटेंस में एक्सप्लेन किया आप किसी भी बड़े आर्टिस्ट को ले लीजिए जिसको आप बहुत ज्यादा एडमायर करते हो ये सारी क्वालिटीज उनमें ना ले आउट ऑफ हंड्रेड एटी या नाइनटी या कहीं पे हो। और ये सब वो धीरे 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 धीरे, धीरे रिफाइन कर रहे हैं मुझे याद है एमिनाम से किसी ने पूछा था कि जब आप पहले रैप लिखते थे तो आपके रैप में बहुत गुस्सा था और अब वो गुस्सा कम हो गया है और उन्होंने बोला था कि हाँ जब मैं पहले लिखता था तो मैं नया था इंडस्ट्री में मुझे चिट थी लेकिन जैसे जैसे लोगों को मैंने जाना पहचाना सीखा समझा तो मेरी पर्सनालिटी बदल गई उस आर्टिस्ट की पर्सनालिटी रिफाइन हो और वो रिफाइन को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे ना तो यहाँ से तो हमको अपनी क्वालिटीज अपना वर्च्यू रिफाइन करना है क्यों क्योंकि ये सबसे नोबल चीज है जब आप अपनी क्वालिटीज रिफाइन करोगे तो हो सकता है पहले आप किसी को माफ नहीं करते थे या एक किस्म का आर्टवर्क आपको बनाते नहीं थे क्योंकि आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं था या आपको ही, या जो भी था, अब आप उसको बनाते हो क्योंकि आपका दिमाग ज्यादा नहीं कर और यहां पे आता है, आपका अब है कि हम वर्च को कैसे बेहतर करें क्वालिटीज तो पता चल गई कि इन क्वालिटीज को बेहतर करना है या इनमें से एक क्वालिटी को बेहतर करना है सबसे पहले क्यों पे आते है क्यों करना है आप जब यहाँ पे आते हो पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि सर आप लिख भी दीजिए दिया कीजिए तो बेटर रहेगा तो इसलिए ये जो पार्ट है ना अब मैं पूरा तो नहीं लिख सकता लेकिन जितना भी लिख सकता हूँ यहाँ पे है ये वाई आपको क्यों इम्प्रूव करना है ठीक है आपको क्या इंप्रूव करना है ये है और ये है वॉट और यहाँ पे आएगा कि आप क्या इंप्रूव करोगे आप कैसे करेंगे हम इस पे आएंगे लेकिन ये लगभग आपका ठीक हाँ है अब यहां पे आता है। आपको करना है क्योंकि जब आपकी क्वालिटीज इंप्रूव होगी ना तो आपका सोचने का तरीका आपकी फीलिंग आपकी मोटिवेशन इंप्रूव होगी फॉर एग्जाम्पल आप में क्वालिटी इम्प्रूव हुई है चीजें समझने की अब आप क्रिएटिविटी को एक बेहतर तरीके से देख रहे हो और उसकी वजह से आप इंस्टेड ऑफ पैसा कमाने पे अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो आपका मोटिवेशन चेंज हो गया यहाँ पे जो आपके ख्याल है जो आपकी फीलिंग है आपका मोटिवेशन है वो बदलेगा जैसे ही वो बदलता है वो जो एक इंसान में एक फील आती है ना कि यार मैं कुछ कर जाऊ या मैं ये कैसे करूँ या मेरा कुछ करने का दिल हो रहा है इस इंसान के लिए उसे कहते हैं मेंटल इम्पल्स मेंटल इम्पल्स कुछ नहीं होता है थॉट होता है लेकिन इम्पल्स एज एन के जैसे बोलते हैं ना चिंगारी लग गई है ये वो है ठीक है अब जब कुछ होता है ऐसा तो आप तो क्रिएटिव हो आपको अपना एक वे मालूम है कुछ क्रिएट करने का आपको मे भी कोई सोशल चेंज लाना है रेवोल्यूशन लाना है अब आप काम करते हो और जब आप ये कंसिस्टेंट यहाँ पे एक वर्ड मैंने जान के नहीं लिखा वो है कंसिस्टेंट आप जब कंसिस्टेंट तरीके से काम करते हो फिर आप अपनी जो बॉडी ऑफ वर्क बनाओगे और अपनी जो पर्सनैलिटी बनाओगे वो उस लेवल पे होगी जहां पे मजा आ जाए इंसान से मिलके आपको जिंदगी जीने में मजा आ जाए अब कैसे करता है ठीक है अब इसके ऊपर मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो आपका जो वर्चू है ना जो आपकी क्वालिटी है पहले तो आपको ये समझना होगा कि मेरी क्वालिटीज मुझे इंप्रूव करनी है अब ये जो देखने का नजरिया है जहाँ पे इंसान को उस लेवल पे लाया जाए जहाँ पे वो रियलाइज करे कि मुझे इंप्रूव होना है वो कैसे आएगा तो सबसे पहले बुक में लिखा हुआ है कि यू स्टे यू स्टे वेरी ट्रू एंड स्टेट फास्ट टू योर जज अब ये क्या है आपको स्टेट फास्ट मतलब फिक्स रहना है और सच्चा रहना है किससे अपने काम है? और जब आप अपने काम से सच्चे रहे तो ये क्वालिटीज इंप्रूव होगी अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपने काम में सच्चे हो या नहीं या इंप्रूव होने की जरूरत है या नहीं छह चीजें है सबसे पहला विजडम एज अ ग्राफिक डिजाइनर हम सिर्फ ग्राफिक्स डिजाइन नहीं पढ़ते हम दुनिया देखते हैं बिल्डिंग्स देखते हैं टाइपोग्राफी देखते हैं लोगों के मिजाज देखते हैं मूड देखते हैं, और फिर वहां से इंस्पायर होता है जो डिजाइन में आता है तो अगर जितना आप पढ़ोगे और पढ़ने से सिर्फ ये मुराद नहीं है कि आप किताबें पढ़िए आप सब कुछ पढ़िए उतना आप विजडम गेन करें आपके पास विजडम आता है तो अब आप एक डिसीजन लेते हो कि मुझे ये करना है या मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है जब आपको यहाँ पे डायरेक्शन मिल, अब यहाँ पे आप उस चीज को लेते हो जो भी आपको करना है उसको हर पहलू से देखते हो जब आप ये रिफाइन कर रहे हो क्योंकि हमें क्वालिटी रिफाइन करनी है ना तो जब हम एक कोई भी चीज को लेते हो और हर ऑब्जेक्टिव से देखते हैं कि इसका क्या इम्प्लीकेशन है फॉर एग्जाम्पल बैंक की जो पेंटिंग्स होती है वो सोशल चेंज के ऊपर है तो उसने उस परसपेक्टिव से देखा है कि लोग क्या सोचते हैं इस बारे में गवर्नमेंट क्या सोचती है इस बारे में आर्ट गैलरी क्या सोचती है, है क्योंकि वो का नहीं मर रहा है उनके पास बहुत ज्यादा वो जो पेंटिंग्स का लेवल है वो बहुत ऊपर है लेकिन उसने उसको हर एरिया से रिफाइन किया है राइट अगर उसके पास कितना भी सोशल चेंज करने का दिल होता लेकिन टैलेंट नहीं होता या हार्डवर्क नहीं होता तो वो नहीं कर पाता तो यहाँ पे आप उसको एकदम ऑब्जेक्टिवली देख रहे हो कि क्या इसका उतना इम्पोर्टेंस है उसके बाद में अब ये जो काम है पूरा ये आप कंसिस्टेंट बेसिस पे कर रहे हो चीजों को रिफाइन कर रहे हो और पढ़ रहे हो और देख रहे हो और रिपीट कर रहे हो जब ये होता है ना तो अब इंसान के पास जब कोई भी चीज बार बार दोहराई जाए जैसे आसमान ब्लू है हमें क्यों लगता है आसमान ब्लू है कभी कभी तो आसमान ऑरेंज भी होता है अगर गोल्डन आर में जाओगे तो पूरा ऑरेंज होता है उसके बाद एकदम डीप ब्लू होता है सुबह में व्हाइट होता है लेकिन हम ये क्यों बोलते हैं कि आसमान नीला है क्योंकि हमने आज तक नाइन्टी ऑफ द टाइम आसमान को नीला ही देखा है और बाय द वे आज मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि आसमान इसलिए नीला नहीं होता क्योंकि पानी रिफ्लेक्ट हो रहा है इसलिए नीला होता है कि ओजोन ले ब्लू है। I don't know कितना करेगा, बट ये उसका कहना है ठीक है अब ये आपकी बिलीफ यहाँ पे सेट हो गई कि ये चीज ऐसी है अब आपके पास एक क्लैरिटी आती है कि इसके बाद मुझे क्या करना है जब ये बिलीफ हो गई फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं यूट्यूब वीडियो पे मुझे समझ में आ रहा है कि लोगों को इसकी जरूरत है तो यहाँ पे गोल सेट हो गया है कि थके हुए अगर थकन है या कुछ भी है आपको एक वीडियो बनाना है क्योंकि शायद वो हेल्प कर दे किसी और ये मेरा मोटिवेशन है टू बी वेरी ऑनेस्ट अब यहाँ पे देखिए सेम चीज अप्लाई हो रही है आपकी जब बिलीफ आती है तो क्लैरिटी क्लैरिटी आने के बाद आपको खुद के बारे में समझ में आता है और दुनिया के बारे में समझ में आता है की मैं क्या हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं कैसे करूं अब आपको इस जजमेंट पे ये जो जजमेंट मिला है ना आपको इस पे एकदम डट के रहना है कि मुझे यही जजमेंट है और इसको कंसिस्टेंटली रिफाइन करना है जब आप ये करोगे तो आपका वर्चु, आपकी क्वालिटी रिफाइन होगी वरना हम एक दिन जिम जाते हैं दूसरे दिन छोड़ देते हैं एक दिन आर्ट वर्क बनाते हैं दूसरे दिन छोड़ देते हैं जब आप ऐसे जाओगे इतना रिफाइन हो तो यहाँ पे आपकी क्वालिटीज इंप्रूव होगी जैसे आपकी क्वालिटीज इंप्रूव होना शुरू हुई याद है हम पूरी जिंदगी की बात कर रहे हैं रिफाइन 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 and then hopefully one day you and I will be able to call ourselves or other people will call के यार ये उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया या उनकी personality क्या है क्या artist so I really hope that happens for us thank you so much see you tomorrow